दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी को लेके आए हैं पूरे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध दुर्गा पंडाल दिखाने के लिए, जिसकी चर्चा दोस्तों पूरे छत्तीसगढ़ में होती है। हर साल यहाँ कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है और जहाँ भक्त लोग बड़े दूर दूर से माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो चलिए 2023 में आप सभी को नैला का दुर्गा दर्शन कराते हैं, संपूर्ण दुर्गा दर्शन कराते हैं। जय जोहार दोस्तों, आज मैं आ चुका हूँ पूरे छत्तीसगढ़ में नंबर वन पे आने वाला, टॉप में आने वाला दुर्गा पंडाल दिखाने के लिए, नैला का भव्य दुर्गा पंडाल दिखाने के लिए। और अभी दोस्तों अंदर में मैं मूर्ति देख के आ रहा हूँ, बहुत ही सुंदर है पंडाल भी, मैंने देखा काफी ज्यादा सुंदर है। चलिए आप सभी को दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए, वाह यार यहाँ से पंडाल देखिए दोस्तों, गजब का ग्लो कर रहा है पूरा जो पंडाल है वो। ये देखिए स्वर्ण की माफिक चमक रहा है जो पूरा पंडाल है, देख लीजिए। और आज यहाँ पे बहुत ही गजब का माहौल बना हुआ है चारों तरफ, इधर देख लीजिए पूरा लाइटिंग वाइटिंग। अभी अपन लोग अंदर की तरफ जाएंगे और माता रानी की बेहद खूबसूरत मूर्ति दिखाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अंदर जाते हैं और आप सभी को दर्शन कराते हैं। जैसे ही दोस्तों आप अंदर आएंगे तो आप सभी को ऐसा नजारा देखने को मिलेगा, देख लीजिए। वाह यार काल नजर आ रहा है ना पूरा मूर्तियां। चलिए दोस्तों आप सभी को करीब से दिखाते हैं हर एक मूर्ति को बारी बारी करके। देखिए गजब की लाइट पड़ रही है। तो दोस्तों यहां से आप सभी देख लीजिए माता रानी की इस विशाल प्रतिमा को, बहुत ही सुंदर है। और माता रानी के दोनों साइड में दोस्तों आप सभी को शेर देखने को मिलेगा, और ऊपर में जो छत है दोस्तों वो सोने की जो आर्टिफिशियल छत होती है उसी से बनाई हुई है। और लाइटिंग देखिए कैसा लाइट पड़ रहा है पूरा, बहुत ही सुंदर लग रहा है दोस्तों, अद्भुत है। और दोस्तों आप ये जो खूबसूरत सी कारीगिरी देख रहे हैं, जो कलाकारी देख रहे हैं, इसे भड़गांव के मूर्तिकारों द्वारा प्रस्तुत की गई है और काबिले तारीफ करनी पड़ेगी उनकी कला का, क्योंकि बहुत ही सुंदर है दोस्तों। ये जो कैमरा है वो कैप्चर नहीं कर पा रहा है, इतना खूबसूरत है हर एक मूर्ति। आप यहाँ पे दर्शन करने के लिए आएंगे तो आप बस यहाँ पे सुन्न पड़ जाएंगे और देखते ही रह जाएंगे माता रानी की सारी प्रतिमा को और जितने भी देवी देवता है सभी को। आज से तकरीबन 2 से 3 महीना पहले काम पे भिड़े हुए थे और धीरे धीरे बनाते बनाते इस रूप में प्रकट किया दोस्तों, प्रस्तुत किए हैं। बहुत ही अद्भुत है माता रानी का ये रूप। और हर एक चीज, चाहे लाइटिंग हो, चाहे टेंट हो, चाहे मूर्ति हो, यहाँ अपने आप में बेस्ट है दोस्तों। यहाँ भक्त लोग बड़े ही दूर दूर से माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। आज है पहला दिन और कल से बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाएगा और यहाँ अद्भुत माहौल आप सभी को देखने को मिलेगा। तो आप कब आ रहे हैं दर्शन करने के लिए हमें कमेंट करके जरूर बतावे। माता रानी की जो मूर्ति है दोस्तों वो 35 फीट ऊंची मूर्ति है और माता रानी जो है वो स्वर्ण के सिंहासन पे विराजमान है। दोनों साइड शेर है। माता रानी के बगल में सरस्वती माता, कार्तिकेय भगवान, लक्ष्मी माता और गणेश जी आप सभी को देखने को मिल रहे हैं। और हर एक बाकी जो मूर्ति है उनकी जो साइज है वो 15-15 फीट ऊंची है। और ये देखिए पूरा माहौल गजब है। यहाँ पे है सियारे फ्लाइट। कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके जरूर बता दें। स्वर्ण के सिंहासन पे भी राजी है माता दुर्गा रानी। दोनों साइड है दोस्तों शेर और बहुत ही अद्भुत तरीके से आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देखिए करीब से क्या गजब है। उसको यहाँ दर्शन करने के लिए आप जरूर आवे। देख लीजिए झूमर वगैरह लगा हुआ है पूरा। और इधर लाइटिंग दिखा दे भाई, लाइटिंग भी देख लीजिए दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत तरीके से नैला का ये भव्य दुर्गा पंडाल को बनाई गई है। यहाँ की मूर्ति की बात हो या फिर पंडाल की बात हो, हर चीज अपने आप में भव्य होती है और हर बाली यहाँ कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। तो अभी यहाँ लोगों की भीड़ देख ही सकते हैं, इस प्रकार से माहौल है दोस्तों। आज है पहला दिन
और 26 तक आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। 26 को होगा विसर्जन दोस्तों, तो 26 तक आप यहाँ पे आ करके माता रानी का दर्शन कर सकते हैं। देखा कि अंदर में माता रानी की जो मूर्त है उसकी जितनी तारीफ की जाए सभी कम है। उनका गढ़वेश हो गया, उनका आभूषण हो गया, और जितने भी देवी देवता है साथ में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। जितनी गुणगान की जाए सभी कम है। बात करें पंडाल की तो पंडाल भी अपने आप में भव्य है। अब सवाल ये उठता है कि कब तक आप सभी यहाँ पे आकर के देवी के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ आप 25 तक आ सकते हैं, 26 को होगा माता रानी का विसर्जन, तो 25 अक्टूबर तक आप यहाँ पे आकर के दर्शन कर सकते हैं। और कई लोग अगर यहाँ आना चाहते हैं तो ये जो नैला का रेलवे स्टेशन है जांजगीर नैला, उसी के नीचे पे ये जो दुर्गा पंडाल है दोस्तों वो बनाई गई है। और माता रानी की इस प्रकार से आप सभी को अद्भुत और विशाल प्रतिमा आप सभी को अंदर में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय माता रानी की।